और रोहित के पास एक पिस्टल में 13 राउंड कारतूस थे। और आर्टिकल 370 अस्थाई प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट से जिस फैसले की उम्मीद की जा रही थी उससे जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य, 370 अस्थाई प्रावधान था। इस वक्त पूरे देश की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, 5 जजों की बेंच ये फैसला सुनाने जा रही है कि आर्टिकल 370 वैध था या इसे हटाया जाना सही था, और इसी से जुड़ी ये खबर। विलय के बाद J&K अलग राज्य नहीं रहा, CJI का कहना है केंद्र के हर निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण फैसला सामने आया, आर्टिकल 370 एक अस्थाई यानी कि टेम्पररी प्रावधान था और केंद्र के हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। विलय के बाद J&K अब अलग राज्य नहीं रहा। युद्ध के हालात में 370 अंतरिम व्यवस्था थी जो की गई थी यानी कि टेम्पररी, राष्ट्रपति शासन की वैधता पर दखल नहीं। तो साफ तौर पर इन के अगर मायने निकाले जाएं तो 370 के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट, 370 जो केंद्र सरकार ने लागू किया था उसे बरकरार रखने के संकेत। CJI का कहना है केंद्र के हर निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती। युद्ध के हालात में 370 यानी कि धारा 370 जो लगाई गई थी वो अंतरिम व्यवस्था थी, एक टेम्परेरी सॉल्यूशन था, राष्ट्रपति शासन की वैधता पर भी दखल नहीं दिया जा सकता। CJI का कहना है तो एक अस्थायी प्रावधान था, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जब उसका विलय कर लिया गया था एक महत्वपूर्ण खबर इस समय सुप्रीम कोर्ट से CJI, विलय के बाद J&K भारत का अभिन्न अंग बन चुका है। जो बातें इस समय निकलकर सामने आ रही हैं उससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार के इस निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। CJI ने कहा कि युद्ध के हालात में आर्टिकल 370 लगाई गई थी, राष्ट्रपति शासन की वैधता यानी उनकी कानूनी मान्यता में दखल नहीं दिया जा सकता, हर फैसले पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, हर फैसले में दखल नहीं दिया जा सकता, राष्ट्रपति को 370 रद्द करने का अधिकार है। और विलय के बाद J&K अलग राज्य नहीं रहा, जैसे बाकी के राज्य हैं भारत में वैसे ही J&K भी एक राज्य है। युद्ध के हालात में एक टेम्पररी यानी कि वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसे बनाए रखे जाना या इसे हटा देना ये पूरी तरीके से राष्ट्रपति के अधीन आता है और राष्ट्रपति को